तो आज हम निकल पड़े हैं इनवरनेस से यूके के हाईएस्ट माउंटेन रेंज की तरफ, जिसका नाम है बेन नेविस। और बेन नेविस तक पहुंचने के लिए हमें गंडोला लेना पड़ता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हमारी जर्नी दिखाते हैं। अभी केबल कार में बैठ चुके हैं बेन नेविस की, एंड अभी ये जस्ट बंद हुआ और है। ये इस केबल कार में सिर्फ हम दोनों हैं, ये हमारी पर्सनल केबल कार है। यस, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। ओह माय गॉड, ओके। हम लोग अभी जिस गंडोला लेके ऊपर पहुंचे हैं एंड हम आए हैं, हेल स्टॉर्म शुरू हो गए हैं। आपको शायद थोड़े दिख रहे होंगे। आप देख ही सकते होंगे वो हट तक जा रहा है ट्रेन, तो हम हमने उस हट से शुरू करा। तो अभी हम और एक व्यू पॉइंट के लिए जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा नाश्ता तो नहीं, लंच किया। अच्छा कैफे है ऊपर, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। लंच अच्छा था हमारा, तो अभी बर्गर्स खाए। हाँ, और अभी हम अपना बोरिया बिस्तर लेके और एक व्यू पॉइंट पर चल चुके हैं। व्यू पॉइंट के लिए वेदर काफी अच्छा हुआ है अभी। धूप से धोखा मत खाइएगा, हवा और ठंडी हुई है। यस, तो ठीक है, बने रहिएगा, हम दिखाते हैं आपको।
कैसा रहा एक्सपीरियंस बेन नेविस का? अब तक तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत एंजॉय किया हमने, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था पहले वाला, ये वाला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? काफ़ी विंड थी एक्चुअली। क्या है, वहाँ पे एक वैली आती है और वहाँ से काफ़ी विंड आ रही थी और ये डोरेमोन का दरवाज़ा पता नहीं कहाँ खुलता है। ये हाँ, तो मैं ट्रेल के बारे में कहना चाहता हूँ आपसे, तो हमने ट्रेल वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी है और बीच बीच में अच्छे पॉइंट्स भी आते हैं तो आप फोटोज ले सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मेरी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी ठंड है बट हाँ, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ आने के लिए। तो प्लीज़ अगर स्कॉटलैंड आना हो तो बेन नेविस नहीं, ओके बेन नेविस जरूर आना। मैडम जी थक चुकी है, और अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्या कर रहे हो आप।